بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने लोगो अपनी साइट पे इंपोर्ट किया था और उसका सेटअप करने का तरीका देखा था, और उसके बाद साइट आइकन हमने अपना सेटअप किया था. इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, और बाकी जो लास्ट वीडियोस हैं आप हमारे जो चैनल है उसको विजिट करके भी देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक शेयर कर दूंगा. तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अपना जो मेन्यू है, मेन मेन्यू, इसको कैसे सेटअप करना है, नया मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके पेजेस कैसे क्रिएट होते हैं, और इसका सेटअप देखेंगे. मेन्यू, सब मेन्यू को देखेंगे कि सब मेन्यू, इसको सब मेन्यू बोलते हैं, जो ये एरो शो होता है तो ये नीचे जो सब मेन्यू आता है इसको सब मेन्यू बोलते हैं. तो इसका देखेंगे कि इसको कैसे हम बना सकते हैं. आज लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं. सबसे पहले आपने अपनी वर्डप्रेस के मेन डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाना है. लॉगिन होने के बाद सबसे पहले तो हम पेजेस को देखेंगे कि पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं. पेजेस क्रिएट करने के लिए ये पेजेस का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे ऑल पेजेस. पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से पेजेस इस टाइम मौजूद है. हमारे पास इस टाइम अबाउट अस है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट क्रेडिट का है, होम का है. इस टाइम ये सारे हमारे पास पेजेस इस टाइम अवेलेबल है. तो हम न्यू पेज क्रिएट करने के लिए ये ऐड पेज पे क्लिक करेंगे. तो जो भी पेज बनाना है उसका टाइटल हम यहाँ पर देंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर. अगर मैं होम का पेज क्रिएट कर रहा हूं तो मैं इसको होम लिखूंगा और यहां से पब्लिश कर दूंगा. पब्लिश करने के बाद आप इसको बैक करेंगे और यहां पे रिफ्रेश करेंगे तो एक तो ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, ठीक है, फ्रंट पेज, और ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है ये यहां पर शो हो गया, ठीक है. जो हमने टेम्पलेट अपलोड किया था इस लास्ट वीडियो में, तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग थी वो सारी हमने उसका डेमो इंपोर्ट किया था, तो वो उसके जो मेन्यू शो हो रहा है ये सारा उसका मेन्यू है. सो पेज ऐसे क्रिएट करते हैं जो भी पेजेस हैं. ये पेजेस जो है हमारे किस काम आते हैं, यहाँ पे मेन्यू शो करने के लिए हमें पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे ये अबाउट अस, सर्विसेज, टीम, ये सारे जो पेजेस हैं ये हमारे इस काम आते हैं. जैसे ये अबाउट अस का है तो हम इसको डिजाइन भी कर सकते हैं. इसको डिजाइन करना इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर आपको बताऊंगा. मैंने ये एक एक्स्ट्रा क्रिएट किया था जिसकी वजह से वो वहां पर शो हो रहा है, एक्स्ट्रा बड़ा हो गया मेरे. हम इसमें से एक्स्ट्रा पेजेस डिलीट कर देते जो हमें नहीं चाहिए. आपको मैंने पेजेस क्रिएट करने का तरीका बताया, अब मैं आगे इसको सेटअप करने का आपको तरीका बताऊंगा. तो हमने ये क्रिएट सेटिंग कर दी है, हमारे पास ऐसे शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये अबाउट अस का इधर शो हो रहा है, होम का यहाँ पर शो हो रहा है. मतलब अलग अलग शो हो रहा है. तो इसका सेटअप देखेंगे. इसको सेटिंग करने के लिए हमें अपीयरेंस में जाना है. अपीयरेंस में जाकर नीचे ये मेन्यू का ऑप्शन शो होता है, आपने इस पे क्लिक करना. इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मेन्यू आ जाता है. अब बात है कि मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं अगर आपके पास ये मेन्यू नहीं है.
उसके लिए आपको ये क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेन मेन्यू। सो मेन मेन्यू लिखेंगे आप, तो उसके बाद आपने ये इनको अगर आप टिक नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मेन्यू शो नहीं होगा। सो उसके लिए आपको प्राइमरी मेन्यू ऑफ कैनवस मेन्यू पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर देना है। ये हमने क्रिएट कर दिया एक न्यू मेन्यू। सो हमारे पास ये मेन्यू हो गया सेव, ये पुराना ओल्ड वाला मेन्यू मेन्यू है, और ये हमारे पास जो हमने अभी तैयार किया वो वाला मेन्यू है। तो हम अगर इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये सारा मेन्यू यहाँ से चला गया। किस वजह से गया? इस वजह से गया कि हमने यहाँ पर अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, होम बटन और ब्लॉग प्राइवेसी और अबाउट अस कॉन्टैक्ट, ये कोई भी हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया। उनको ऐड करने के लिए आप यहाँ से व्यू ऑल में जाएंगे या मोस्ट रिसेंट में व्यू ऑल में जाएं अगर आप, तो ये होम हो गया, ये ब्लॉग अबाउट अस, उसके बाद कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज और टीम। हमने इस टाइम ये सारे ऐड करने, तो हमने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब जब हम इसको सेव करेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास, हम इसको अपनी साइट पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। अब शो हो गया, हमने इसकी सेटिंग कर ली है। सेटिंग करने के लिए हमें जो है, तो हमने इसको ब्लॉक को यहाँ पर लेके जाना है, उसके बाद हमने सर्विसेज ऐड करनी है, फिर हमने टीम को रखना है, फिर हमने ये चीजें अपनी ऐड करनी है। हमने कॉन्टेक्ट में इसको प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पे रख देते हैं, ये दोनों बल्कि इसके नीचे रख देते हैं। ये हमारे सब मेन्यू बन गए, सब आइटम्स यहाँ पर शो भी हो रहा है और ये सब मेन्यू बन गए। ठीक है, अभी हमारे पास किस तरह से मेन्यू शो हो रहा है, इस तरह से शो हो रहा है। तो मैंने ये किया कि ये कॉन्टेक्ट में अबाउट अस और हमारा ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको यहाँ इसके नीचे ऐड कर दिया सब मेन्यू में, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो हमने इसमें ऐड किया। हम कैसे देखेंगे, अब इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम अपनी साइट पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये होम हो गया, ब्लॉक किया था सर्विसेज टीम, और ये कॉन्टेक्ट में अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी ये हमने ऐड कर दिया इसमें। ये हमारा सब मेन्यू बन गया। सो इस तरह से हम अपना मेन्यू और सब मेन्यू को सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कस्टम जो लिंक्स हैं वो ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड हो जाते हैं। कैटेगरीज आप ऐड करना चाहें, जैसे मैं जो है तो अपनी सर्विसेज में ऐड करना चाहता हूँ ये कैटेगरी में, मैं कोई पोस्ट करूँ जैसे उसी कैटेगरी में जाए, जैसे ये ई कॉमर्स हो गई, ये ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ है, साइट और टेक्निकल एसईओ, ये सारा कुछ मैं ऐड अगर करता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद, तो ये हमारे पास यहाँ पर नीचे शो हो रहा है। मैंने इसको सर्विसेज की सब मेन्यू में ऐड करना चाह रहा हूँ इसको। सो मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे, इसको लेके जाने के लिए आपने ऐसे करना है कि इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके राइट जो माउस का लेफ्ट वाला बटन है उस पर क्लिक करके ये सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उठा के लेके जाना है, छोड़ना नहीं है बटन, यहाँ पे जाके छोड़ देना। ये भी सब आइटम हो गई, ये भी इसकी सब आइटम में डालते हैं, ये भी सब आइटम डालते हैं। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, मैं अपनी सेटिंग ऐसी नहीं कर रहा। सो हम इसको सेव करेंगे अगर, तो
हमारे पास इसको रिफ्रेश करेंगे अपनी साइट को, तो हमारे पास सर्विसेज में जाके ये सारा सब मेन्यू बन गया, हमारे पास क्रिएट हो गया कि हमने ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो ये तरीका हमारी अपनी कैटेगरीज ऐड करने का और कस्टम लिंक अगर कोई लगाना चाहे यहाँ से पोस्ट कोई एक अगर पिन करके यहाँ पे मेन्यू में या सब मेन्यू में लगाना चाहें आप तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई पोस्ट की है, मैं यहाँ से ले लूँ, चलो मैं इसको ले लेता हूँ और यू नीड टू नो, इसको अगर मैं ले लूँ, ये हमने यहाँ पर ऐड किया तो हमारे पास सबसे नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर कहीं भी आए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ इसको सर्विसेज के बाद, तो इसको यहाँ पर रख के या मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा, ये हमारे पास शो हो गई। सो इस तरह से अपना मेन्यू और सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से गलत मेन्यू बना दिया तो आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं? आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना, ये मेरा ओल्ड मेन्यू है, ये मैंने अभी बनाया है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने करना ये है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे ये डिलीट मेन्यू है, आप इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये मेन्यू डिलीट हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये ओल्ड वाला ही मेन्यू रह गया। सो आज की इस वीडियो में जस्ट मेन्यू से रिलेटेड था। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे अपनी साइट को बिल्ड करते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। मजीद वीडियोस के लिए, मजीद वर्डप्रेस से रिलेटेड, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे आती रहेंगी। सो हमारे साथ जुड़े रहें, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो है तो मजीद वीडियोस जो है, जो ओल्ड वीडियोस हैं जो अगर आपने नहीं देखी, थीम अपलोड करना, लोगो कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, साइट आइकन वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह कैसे इसके इंपोर्ट करके डेमो कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप चैनल भी हमारा विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।